नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज 2022 हार्दिक पांड्या की हुई टीम इंडिया में वापसी। टीम इंडिया से रिलेटेड सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए BCCI ने आज भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने एक बार फिर नेशनल टीम में वापसी की है। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को चोट से उभरने के बाद टीम में शामिल किया गया है। साथ ही IPL में भी विस्फोटक बल्लेबाजी करने के बाद दिनेश कार्तिक को भी टीम में वापस बुला लिया गया है। नियमित कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को सफेद गेंद की सीरीज के लिए आराम दिया गया है, जिसमें ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी खबर है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भी टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने IPL में नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस की सफलतापूर्वक अगुवाई करते हुए उसे प्लेऑफ में पहुंचाया। वह तेजी से कुछ ओवर गेंदबाजी करने के अलावा टीम के लिए बल्ले से भी निरंतर प्रदर्शन करते रहे। 2021 T20 वर्ल्ड कप में आखिरी बार हार्दिक पांड्या नजर आए थे, जहां उन्होंने बतौर बल्लेबाजी टीम के लिए खेला था। ग्रुप स्टेज में मैच के दौरान कुछ मुकाबलों में गेंदबाजी भी की थी, लेकिन IPL 2022 उन्होंने 8 मैचों में लगभग 24 ओवर डाले, जिसके नेतृत्व में टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। बल्ले से भी हार्दिक ने टूर्नामेंट में दमदार शुरुआत की थी, लेकिन बीच में मैचों में उतने असरदार नहीं रहे। उन्होंने जारी सीजन में 13 मैचों में 41.30 की औसत से 413 रन बनाए। IPL 2022 उन्होंने 4 अर्धशतक भी लगाए। हार्दिक का बल्ले से ये सबसे बेस्ट IPL सीजन रहा। कमर की सर्जरी के बाद से हार्दिक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ज़्यादा मैच नहीं खेल सके हैं, लेकिन हार्दिक हमेशा भारत की योजनाओं का हिस्सा बने रहे और इसी के नतीजा है कि उन्हें एक बार फिर भारतीय टीम में मौका मिला। हार्दिक पांड्या ने अपना आखिरी T20 मैच वर्ल्ड कप में ही निबीमिया के खिलाफ 8 नवंबर को खेला था। हार्दिक ने भारत के लिए T20 में 54 मैचों में 553 रन बनाए। इस दौरान वह कोई अर्धशतक या शतक नहीं लगा सके, जबकि गेंदबाजी में 42 विकेट झटके। इसी तरह की भारतीय क्रिकेट से रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।